सियासतदानों की ताहियात नाहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर। ताहियात नाहली के उसूल का इतलाक सिर्फ इंतखाबी तनाजात में इस्तेमाल किया जाए। अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक ना मिलना इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है। अपील के हक के बगैर ताहियात नाहली मुतलका वोटर्स के बुनियादी हकूक की भी खिलाफ वर्जी है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भोन की दरख्वास्त का मतन। चाहे कुछ भी कर लें, नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। नवाज शरीफ की वापसी से बाहर निकलें और अवामी इश्यूज के हल पर तवज्जो दें। चौधरी शुजात हुसैन का हुकूमत को मशवरा, बोले हर तरफ महंगाई का शोर है, खात्मे के लिए कोई तजवीज़ नहीं देता। ये साल काम करने का है, लेकिन ऐसे कामों में ही लगे रहे तो फिर मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। सुप्रीम कोर्ट बार ने फौजदारी कानून में तरामीम को मुस्तरद कर दिया। वजारत कानून और इंसाफ ने स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बगैर फौजदारी तरामीम पेश की। फौजदारी तरामीम से मौजूदा निज़ाम मजीद बोसीदा हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का ऐलामिया। रावलपिंडी के तालीमी इदारों में कोरोना फैलने पर बारानी ज़रई यूनिवर्सिटी समेत मजीद 12 तालीमी इदारे सील कर दिए गए। सीलशुदा तालीमी इदारों की तादाद 49 हो गई। कानूनदान और इंसानी हकूक के अलमबरदार आसमा जहांगीर का यौम पैदाइश। बेटी मुनीजे जहांगीर का ट्विटर पर जज्बात का इजहार, कहा आसमा जहांगीर जिंदा होती तो 70 साल की हो जाती। आसमा जहांगीर अपनी छोड़ी रिवायात और काम में आज भी जिंदा हैं।